हे गाइस, तो ये टिक कॉलर के ऊपर वीडियो है। निकल कॉलर काफ़ी एक्साइटेड है कि नया चीज़ क्या आ गया है। तो टिक कॉलर के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जो कि सेम टिक कॉलर के ऊपर है। ये है बेयर का किल्टिक्स कॉलर। ये है लार्ज साइज डॉग के लिए, बड़े जो कुत्ते होते हैं उनके लिए है, जिनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। नॉट विंगर, ये सेमेनॉइड वगैरह इस तरह के। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तो इस जो पुराना वीडियो है उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सेम पैकिंग वैसे ही है। ये मुझे अराउंड 780 के अराउंड पड़ा, उससे सस्ता भी आपको मिल सकता है मेडिकल स्टोर वगैरह में, वेट के पास। लेकिन मैंने ऑनलाइन मंगाया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वेट है नहीं। तो ये कॉलर में 780 का पड़ा है, ठीक है। ये रहता है, ये पैकिंग रहता है और ये अंदर रहता है और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहता है। तो बॉक्स को हम हटा देते हैं अभी के लिए। मैनुअल में देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। तो मैनुअल में मेनली हम क्या देखते हैं, मेथड में क्या है कि इसको हटाना है, ठीक है, सील से हटाना है जो रैपिंग बॉक्स है, रैपिंग पेपर है, और इसको फाड़ना है ऐसे। फाड़ लेते हैं इसको, पहले से निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको फेंक देते हैं बाहर और इसको खोलते हैं। फिर ये जैसे पैक है, इसमें मेडिसिन लगी होती है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इतना बड़ा होता है। तो इसको खोलने के बाद इसमें डॉलर एक्साइटेड हो रहा है, नो और नहीं। इसके बाद काटा चाहिए, तो काटे ले लो, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है ऐसे, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो खुल जाएंगे ऐसे एक्सपेंड कर लेते हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको लगा देना है। कोशिश करिए कि जो आपका पपी है, डॉग है, वो डायरेक्टली इसको टच ना कर पाए मुँह से अपने, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसके कॉलर लगाएंगे बाद में, जो पुराना कॉलर है उसको निकाल देते हैं पहले। एक हाथ से निकाल रहे हैं, रुको, ठीक है, ये वाला है, निकाल देते हैं कॉलर। अब ये वाला टाइटली, मतलब दो तीन उंगलियां जाए किसी हिसाब से बांध लें, चिपका रहे स्किन से, ठीक है। इसको बेल्ट को इस तरह से पहना दिया जाता है। स्टे, ठीक है, ये देखो। अभी इस तरह से मैंने क्लोज पहनाया है कि इसका जो बाल है इसके बीच में थोड़ा स्किन के क्लोज आ जाए एकदम, ठीक है। और दो तीन उंगलियां जाए, रुको नारक, जब जब धीरे जाओ, इधर आओ, ये देखो इसमें तीन उंगलियां जा रही हैं ऐसे, ठीक है। तो इतना ही टाइट आपको रखना है, तीन में चल जाए, ठीक है। बाकी इसको आप आराम से इस तरह से पहना देंगे। कोई नहीं, तो इस तरह से गाइस देख लीजिए क्लोजअप में एकदम कि मैंने किस तरह से बांधा है। एकदम टाइट भी नहीं बांधना है, मतलब थोड़ा इसके सटर है स्किन से, इस तरह बांधना है, ठीक है। तो इस तरह से है, बाकी बालों में छिपा देते हैं इसको। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, जो टिक्स एंड फ्लीज लगती हैं इसको, इससे कोई नई टिक्स एंड फ्लीज नहीं लगेंगी जो कि विंटर्स में बहुत दिक्कत करती हैं, क्योंकि नहलाना ज़्यादा रहता नहीं है विंटर्स में, ठीक है। तो ये मैंने बांध लिया ऐसे, और इससे जो नई टिक्स लगेंगी भी तो वो अपने आप निकल जाएगी, बिना इसका ब्लड चेक करे आराम से निकल जाएगी। तो काफ़ी इफेक्टिव है गाइस, मैं रिकमेंड करता हूँ इस टिक एंड कॉलर को।
ये हो गया। अब इसके बाद इसका जो पुराना वाला था कॉलर, नॉर्मल कॉलर जो होता है इसको बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं इसके ऊपर। तो दोनों कॉलर ऐसे रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाल काफी बड़े बड़े हैं इसके, बस लॉलर तैयार हो गया अपना। अब टिक्स एंड कॉल, टिक्स एंड प्लीज, अब इसको नहीं पड़ेंगे है राहुल। ठीक है गैस, तो ये था छोटा सा वीडियो टिक्स कॉलर के ऊपर, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है एंड आप लोगों को अपने पेट्स के लिए जरूर लेना चाहिए इसको, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता है आपको, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। All right.